अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौकीन कनपुरिया। और भाई आज आपके लिए फिर से एक बार राजवीर गोट फार्म जो कि राजस्थान में मौजूद है उसके बकरे लेके आए हैं। बहुत बढ़िया रेट और वेट में बकरे होने वाले हैं, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। आप वीडियो देखिए, बकरे माशाल्लाह सबके सब फिट हैं, बढ़िया बकरे, पूरी पूरी पट्टी से भी बेचेंगे और सिंगल बकरा भी डबल बकरा भी आप ले सकते हैं। तो ये जितने बकरे हैं मोस्टली सब यही अलवर हैं और अजमेरा में हैं, गुजरी एक आध होंगे, सिरोही, मोस्टली इस तरह के बकरे हैं और अच्छे पैरों में मजबूत कद काठी के बकरे हैं। दो दांत, चार दांत, छः दांत के ऊपर बकरे हैं सारे के सारे। बात करते हैं इनके वज़न की, तो मोस्टली बकरे 50 से 90 किलो के बीच में हैं मोस्टली। मैंने वीडियो डाली है, आप बकरे देख लीजिए, नंबर मैं उनका डाल दे रहा हूँ, कोई पसंद आएगा आप उनसे स्क्रीनशॉट दे के पूछ सकते हैं। 50 से 90 किलो के बीच में ये बकरे हैं और इनका जो वेट उन्हीं ने रखा वो दो कैटेगरी में रखा। अगर कोई पूरी पट्टी लेना चाहेगा तो 26,000 रुपए की पट्टी से बकरे दे देंगे और वेट इंशाल्लाह नेगोशिएबल रहेंगे। और अगर कोई दो बकरे, चार बकरे, छः बकरे लेना चाहता है तो आपको 330 रुपए किलो का रेट उन्हीं ने मुझसे कोट किया है, बाकी नंबर मैं डाल दे रहा हूँ, एक बार आप कन्फर्म कर लीजिएगा। 330 रुपए का रेट उन्हीं ने कोट किया है, ट्रांसपोर्ट बाई पार्टी का रहेगा। और बेहतर ये होता है इस तरह से कि आप वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन लें, बकरे जब लेने हो तो आप ख़ुद जाके एक बार देखें सामने से, तब बकरे लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। बकरे अच्छे हैं, देखिए वीडियो में तो सब फिट दिख रहे हैं माशाल्लाह से, बड़े फ्रेम के बकरे हैं। तो अगर आप में से किसी को बकरे पसंद आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों, तो कॉल करिए और मामला इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। अगर आपको बकरे अच्छे लग रहे हों, वीडियो पसंद आ रही हो, तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई राय है कि भाई चैनल के लिए कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज़ नथिंग इज़ परफेक्ट, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दूसरा भाई, व्लॉगिंग थोड़ा करने से बच रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एक तो बाहर हूँ आउट ऑफ कानपुर, दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा धूप है और 45 डिग्री के ऊपर जब बॉडी होती है तो हीट स्ट्रोक हो सकता है, यानी ब्रेन हेमरेज कभी भी हो सकता है। तो इसलिए व्लॉगिंग से थोड़ा सा मैं परहेज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि भाई हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो, और आप भी भाई इस गर्मी में निकलने से बचिए। यहाँ मैं बाहर आया हूँ हिल स्टेशन पे, यहाँ का टेम्परेचर कैसा है इसकी भी एक अपडेट वीडियो इंशाल्लाह डालूंगा, बड़ा मज़ा आएगा उसमें, ज़रूर देखिएगा।